नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केरल में एक प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम संगठन राज्य में फुटबॉल के दीवाने मुस्लिम युवाओं के खिलाफ सामने आया है। संगठन के एक मौलवी ने विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों के समर्थन में स्टार खिलाड़ियों के बड़े कटआउट लगाने और फुटबॉल हस्तियों के प्रति दीवानगी दिखाने को इस्लाम के खिलाफ बताया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट कर ऐसा आरोप लगाया है। दिल्ली आबकारी नीति धोखाधड़ी केस में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार को राउस एवेन्यू कोच में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ फिलहाल जाँच जारी है। न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 के बढ़त ले ली है। भारत ने न्यूजीलैंड को 307 रन का टारगेट दिया था। न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंटरनेट मीडिया पर हथियारों प्रदर्शन पर सख्ती बरत रही पंजाब पुलिस की एक कार्रवाई, हर तरफ से सवाल उठ रहा है। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है, यहां के थाना कथू नंगल की पुलिस ने हथियार सहित बच्चे की फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इसमें 8 साल के बच्चे का नाम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर सबको चौंका दिया है। ममता बनर्जी ने इसे साधारण चाय पर चर्चा बताया है। इधर सुवेंदु अधिकारी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा है। बंगाल विधानसभा सत्र के दौरान हुई मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की इस मुलाकात को राजनीतिक के जानकार बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए कई नियम पहले ही बनाए जा चुके हैं और अब इसी क्रम में एक और नया नियम आ चुका है। नए नियमों को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत 15 साल से पुराने सरकारी बसें, ट्रक और कारों को चलाने पर रोक लगा दी गई है। बिहार के बेगूसराय जिले से एक माता पिता अपनी अगवा बेटी का हश्र श्रद्धा की तरह होने की आशंका से सहमे हुए हैं। वे सकुशल बेटी की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। मामला फुलवरिया थाने के एक गांव का है। यहां के एक गणित शिक्षक पर नाबालिग लड़की के अपहरण की FIR कराई गई है। अपहरण का आरोप फुलवरिया के वार्ड संख्या 12 निवासी मोहम्मद आमिर पर लगा है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए कई नियम पहले ही बनाए जा चुके हैं और अब इसी क्रम में एक और नया नियम आ चुका है। नए नियमों को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत 15 साल से पुरानी सरकारी बसें, ट्रक और कारों को चलाने पर रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्रालय एक समान रेंज में गिनी जाने वाली परिसंपत्तियों के बीच समानता लाकर लंबी अवधि के कैपिटल गेन टैक्स को युक्ति संगत बनाने पर विचार कर रहा है। इंडेक्स से बेनिफिट की गणना के लिए आधार वर्ष में संशोधन कर इसे और प्रासंगिक बनाया जा रहा है। 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा संभव है। ऋचा चड्ढा के डिलीट किए गए ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दिया है। उनके खिलाफ मुंबई में निर्माता अशोक पंडित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ऋचा चड्ढा को न सिर्फ लताड़ा गया है, बल्कि उन्होंने सीख भी दी है कि वहीं के मेनन ने लिखा है कि वर्दी पहने हमारे वीर जवान हमारे देश और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। हम कम से कम उनका सम्मान और आभार व्यक्त कर सकते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से जारी 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 इस रविवार को समाप्त हो रहा है। अगर आप मनोरंजन और घूमने फिरने के लिहाज से और विकल्प तलाश रहे हैं तो आपके लिए दिल्ली में कई मौके हैं। वहीं अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो अंतिम 2 दिन ट्रेड फेयर में छूट का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल अंतिम दिनों में ट्रेड फेयर में स्टॉल वाले अधिक छूट प्रदान करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण में 788 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वर्ष 2017 की तुलना में इस बार चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों, उनकी संपत्तियों का आकलन किया है। इसके अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार दागी उम्मीदवारों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है। महान योद्धा अहोम सेनापति लचित बरफुकन की आज 420 जन्म जयंती है। जिस रूप में राजस्थान में महाराणा प्रताप को, महाराष्ट्र में शिवाजी को और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह को याद किया जाता है, उसी रूप में असम के लोग लचित बरफुकन को भी याद करते हैं। असम मेघालय सीमा पर मंगलवार को हुई हिंसा के विरोध में गुरुवार को शिलोंग के कई हिस्सों में उपद्रव हुआ। पुलिस को उपद्रवियों से निपटने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। शाम को एक मोमबत्ती जुलूस के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस वाहन पर हमले की घटना हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उपद्रवियों ने एक यातायात बूथ को आग लगा दी और सिटी बस समेत 3 पुलिस वाहनों पर हमला कर दिया।
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने की मांग की गई है। जजों ने संकेत दिया है कि इस मसले पर केरल समेत अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर एक साथ सुना जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर दिए गए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर बवाल मच गया है। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी बौखला गई है, साजिशों से ऊपर उठकर अब हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। बीजेपी नेता पहले गाली गलौज करते रहे लेकिन अब बात नहीं बनी तो अब मारने की धमकी दे रहे हैं। नोटबंदी के 6 साल बीत चुके हैं लेकिन इस पर राजनीति अब भी जारी है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नोटबंदी को लेकर जमकर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी और उसकी प्रक्रिया गलत थी, केंद्र सरकार ने नोटबंदी में जो प्रक्रिया अपनाई उसमें भारी खामी थी, ये केवल पीएम मोदी का फैसला बताया गया है। इस फैसले की जानकारी न तो रिजर्व बैंक के पास थी और न ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास इस संबंध में पूरी जानकारी थी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लचित बरफुकन का जयंती समारोह वर्ष भर मनाया गया जिसका समापन कार्यक्रम आज राजधानी दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में हुआ। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी 16वीं सदी में मुगल सेना से लोहा लेने वाले असम के आहोम साम्राज्य के वीर सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य साल भर चले उत्सव के समापन में शिरकत किया। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के एक मामले की एक हफ्ते के भीतर सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सीबीआई से पता लगाने को कहा था कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की नौकरी बचाने की कौन कोशिश कर रहा है। हाई कोर्ट ने राज्य के प्रमुख सचिव नितिन जैन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा था। ये घोटाला मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आने के बाद सुर्खियों में बना था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्विन टावर की तर्ज पर अब गाजियाबाद में भी एक बहुमंजिला इमारत गिराई जाएगी। आवास विकास परिषद की जांच में पाया गया कि वसुंधरा योजना में 17 मंजिली मर्लिन सोसाइटी का निर्माण करने में तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं। इसी कड़ी में अनुमति सिर्फ 114 फ्लैट बनाने की थी जबकि बिल्डर ने 257 फ्लैटों का निर्माण कर दिया है। इसके बाद एवीपी ने इसे ढहाने का फैसला किया है। लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वालों को सरकार 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। विभाग ने बीपीएससी के 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए शुक्रवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार की वेबसाइट wdc.bih.nic.in पर जाकर 25 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात के खेड़ा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में साल 1995 से पहले कांग्रेस के शासन के दौरान सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर होते थे। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विभिन्न समुदाय और जातियों के लोगों को आपस में लड़ने के लिए उकसाती थी। हैदराबाद से लोकसभा के सदस्य और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में बड़ी संभावना दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के समर्पित वोट को देखते हुए ओवैसी को बसपा के साथ वर्ष 2024 में उतरने का बड़ा लाभ भी दिख रहा है। पूंजी बाजार नियामक SEBI ने म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में ला दिया है। वर्तमान में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम सूचीबद्ध कंपनियों या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों पर लागू होते हैं। फिलहाल म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्रतिभूतियों की परिभाषा से बाहर रखा गया था। सेबी का नया नियम 24 नवम्बर से प्रभावी हो गया है। बदायूं में जुए का बेरहमी से कत्ल करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने कातिल युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस अब चूहे का पोस्टमार्टम भी कराएगी। पुलिस ने बदायूं के युवक पर यह कार्रवाई पशु प्रेमी की शिकायत पर की है जिसके बाद से क्षेत्र में खलबली मची हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर सभी प्रमुख सियासी दलों के दिग्गज नेता अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने राज्य विधानसभा के लिए होने जा रहे चुनाव में पार्टी के पक्ष में बेहतर परिणाम का दावा किया है। इसुदान गढ़वी ने कहा कि हमारी पार्टी गुजरात में चुनाव जीत रही है। गुरुवार को सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में आपके मीडिया रणनीतिकार विजय नायर और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोयिनपल्ली को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। मूसेवाला के हत्याकांड में कथित रूप से शामिल लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बड़ार गिरोह के सदस्य दीपक टीनू को आज मोहाली की एक अदालत में पेश किया गया है जहां उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नोनू कुमार, गोलू, निशा कुमारी, मोहम्मद नौशाद, रजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नूर राज, भान प्रकाश मौर्य। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।